अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो मिस्टेक्स इन हाउस कंस्ट्रक्शन में आज जो मिस्टेक जिसका ज़िक्र हम करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पानी आ रहा है बिजली की लाइनों में, ये देख लें। तो बेसिकली होता ये है कि ये जितनी भी बिजली की लाइनें होती है ये सारे इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब वर्कर्स ये करते हैं कि जब वो लोग पाइप्स को मतलब जो दीवारें होते हैं, जो भी प्लास्टर को पानी लगाना होता है, जिस भी चीज़ को पानी लगाना होता है, वो पानी लगा देते हैं और फिर पानी को घर के अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं रोके बगैर। तो ये आपको दिख रहा होगा, अब ये बिजली की लाइनों में से ये सारे का सारा पानी पास कर रहा है। नुकसान इसका क्या होगा? नुकसान ये होगा कि चूँकि बिजली की लाइनें हैं जिसमें कॉपर लगा हुआ है, जिसमें जो भी लाइंस लगी हुई है, उसके जंग होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ठीक है। जंग ना भी हो तो उसके अंदर अगर नमी रहेगी और किसी भी टाइम हम इसके अंदर बिजली का जो करंट है वो छोड़ दे तो इसके पूरी की पूरी लाइन के जल जाने का ख़तरा होता है। तो जहाँ पर भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो बिजली की लाइनें हैं, जो इवन अंडर कंस्ट्रक्शन भी और इसमें अभी करंट है भी नहीं, उसको पानी से दूर रखें कि उसमें पानी ना आए, क्योंकि पानी अगर आएगा तो ये नमी कम से कम हफ्ते के लिए, दो हफ्तों के लिए रह सकती है। तो इसके अंदर अगर ये नमी रहेगी तो नमी की वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा है जो कि डेंजरस हो सकता है। तो पानी जहाँ पर भी आप लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है वो बड़े एहतियात से यूज़ करें और बिल्कुल तरीके से यूज़ करें कि वो नुकसान ना पहुंचाए, वो पानी ना फाउंडेशन को, ना इलेक्ट्रिक वायर्स को और ना जो प्लम्बिंग का काम हो रहा है उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन घरों में पानी को घर से बाहर निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती। तो ये अब देखो नीचे जा रहा है, यहाँ पहले तो ये यहाँ पर नुकसान कर, दूसरा ये नीचे जाके फाउंडेशन में सीप हो रहा है तो ये एक और नुकसान है इसका। तो जहाँ पर भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इस किस्म की जो गलती है ये आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ना हो।